मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है और मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ। मेरा संपर्क एवीएन आरोग्य आयुर्वेद हॉस्पिटल से लगभग 10 साल पहले हुआ था, जब मैं मुंबई में पोस्टेड था और मेरे हाथ के अंगूठे में एक टीनोसिनोवाइटिस हो गया था, जो कि काफ़ी डॉक्टर्स ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर हमारे दोस्त हैं मुंबई में, उन्होंने मेरे को बताया कि आप डॉक्टर मौर्या के पास जाएं और उनको दिखाएं। तो इस तरीके से मेरा संपर्क डॉक्टर राजीव मौर्या से हुआ और उन्होंने 15 दिन के अंदर ही कुछ दवाइयाँ दे के मेरा हाथ का दर्द, अंगूठे का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। अब 10 साल बाद जब मैं आजकल दिल्ली में हूँ, तो कुछ महीनों पहले मेरे लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन स्टार्ट हो गया था और मेरे को लगता है कि किसी तरह की इंजरी हुई है। तो मैंने वहाँ पे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाया, एक्सरे निकलवाया, एमआरआई कराई और पता चला कि मेरे को एक नहीं बल्कि 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर एंड टेंडनाइटिस और बर्साइटिस। तो डॉक्टर्स ने यही स्ट्राइक किया कि आप फिजियोथेरेपी कराइए और ज़रूरत पड़ेगी तो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लगवाइए। पर मेरे को ध्यान आया कि मैं राजीव मौर्या से क्यों नहीं बात करूं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप सीधा मदुरई आ जाओ। और इस तरह से मैं और मेरी धर्मपत्नी सीमा श्रीवास्तव दोनों मदुरई पहुँच गए और यहाँ पे डॉक्टर राजीव मौर्या के हॉस्पिटल में हम दाखिल। पिछले 6-7 दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, जिसके अंदर उनका ज़्यादातर ध्यान बॉडी को सफ़ा करने में लगा हुआ है। वो डिटॉक्सिफाई करा रहे हैं बॉडी को और तरह तरह के मसाज कराए हैं, ट्रीटमेंट दिए हैं, फिजियोथेरेपी हुई है और 6 दिन के अंदर मेरे हाथ का, शोल्डर का दर्द बहुत बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। आशा तो करता हूँ कि शायद हम कुछ दिन और रहते यहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश मेरे को जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस खुशी में जा रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट शोल्डर का पेन लगभग खत्म हो चुका है। मैं सभी लोगों से यही विनती करूँगा कि हम जब तक स्वस्थ हैं, हम इस बारे में नहीं सोचते कि हमको अपने स्वास्थ्य के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम होती है तभी हम इधर उधर देखते हैं कि किस तरह से उसको ठीक किया जाए। तो सबको मेरा यही एक लेसन है कि जब तक हम स्वस्थ हैं, अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए, तो ये सब चीज़ें इस नौबत तक नहीं पहुँचें कि आपको एक लंबे समय के लिए किसी अस्पताल में दाखिल होना पड़े। धन्यवाद। और इसके थोड़ा मैं आपको इस बारे में और बताऊं कि यहाँ पे किस तरह का इलाज हो रहा है। ये जगह एक बहुत ही सरीन, शांत और बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे एक मरीज़ पहुँचने के बाद आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है जगह को देख के, क्योंकि नाम इसका हॉस्पिटल है लेकिन ये हॉस्पिटल जैसा नहीं है, एक तरह से ये हॉलीडे होम है। इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है हमारा यहाँ पे, सभी लोगों ने जो ख्याल रखा है। और ख़ास बात यह है कि सभी इतने हंसमुख हैं, आप कुछ भी बात करें एकदम हंसते हुए जवाब देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, लेकिन हमको वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि हम बड़े आसानी से लोगों से अपना कम्युनिकेट कर सकते थे। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो खुद इतने सरल स्वभाव के हैं कि एक तरह से पता ही नहीं चलता कि आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दोस्त की तरह आके आपसे बात करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं और बड़ा ही अच्छा तरीके से इलाज किया जाता है। यहाँ के जो कमरे हैं, विलाज हैं, वो सब आधुनिक हैं। मैं एक क्लासिक विला में रह रहा हूँ और जो कि 1 बेडरूम अटैच्ड सिटिंग रूम टाइप अकोमोडेशन है और हर तरह से संपूर्ण है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और जो भी आपको चाहिए वो यहाँ फौरन मिल जाता है। साथ में एक अटैच रेस्टोरेंट है, अटेंडेंट के लिए खाना पूरे टाइम मिलता है और कैफेटेरिया है और एक फार्मेसी भी है जिसमें सारी दवाइयाँ खुद मिल जाती हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके और सबसे बढ़िया तो ये है कि मेरा जो दर्द है वो गायब हो गया है। धन्यवाद।